कहा जन विश्वास यात्रा, आप कोई भी यात्रा कर लीजिए। नीतीश कुमार किए थे समाधान यात्रा, कितना बिहार की समस्या का समाधान हो गया। अभी राहुल गांधी कर रहे हैं न्याय यात्रा, कितना बिहार के लोगों को न्याय मिल गया। तो इनके जन विश्वास यात्रा करने से क्या होगा? सबसे ज्यादा विश्वास आपने तोड़ा, 30 वर्ष से लालू नीतीश का ही राज है इस देश में, इस बिहार में। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पे जनता क्यों भरोसा करे? लालू यादव के काम के बाद क्या तेजस्वी यादव पे भरोसा किया जा सकता है? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। ये बोल राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के हैं। प्रशांत किशोर ने ये बातें तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर कहा है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, अब इसको लेकर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इससे पहले यात्रा पर निकले थे, क्या हुआ, कुछ रिजल्ट दिखा? और बिहार की जनता तेजस्वी यादव की बातों पर विश्वास क्यों करे? बिहार की जनता लालू यादव के राज्य को देख चुकी है और अब उनके राज्य को देखने के बाद तेजस्वी यादव पर कैसे विश्वास कर सकती है? आपको बता दें कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जन सुराज पद यात्रा पर निकले हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर लोगों को जागरूक करने में लगे हैं, जनता को उनके हक के बारे में बता रहे हैं, जनता को उनके बारे में बता रहे हैं कि अगर आप वोट देते हैं तो किस आधार पर वोट देते हैं, और अगर आप वोट जिस आधार पर देते हैं तो उसके बाद आप सरकार से उम्मीद क्यों करते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां बिहार सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या फिर लालू परिवार हो, हर किसी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर तंज कसा है और तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि आप पे जनता क्यों विश्वास। आपने कहा जन विश्वास यात्रा, आप कोई भी यात्रा कर लीजिए। नीतीश कुमार किए थे समाधान यात्रा, कितना बिहार की समस्या का समाधान हो गया। अभी राहुल गांधी कर रहे हैं न्याय यात्रा, कितना बिहार के लोगों को न्याय मिल गया। तो इनके जन विश्वास यात्रा करने से क्या होगा? सबसे ज्यादा विश्वास आपने तोड़ा, 30 वर्ष से लालू नीतीश का ही राज है इस देश में, इस बिहार में। 30-32 वर्ष में बिहार से गरीबी कम नहीं हुई, पलायन रुका नहीं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हुई नहीं, रोजगार मिला नहीं, तो अब किस विश्वास की बात कर रहे हो? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, आएंगे विश्वास यात्रा में, भीड़ दिखेगी, पैसे के बल पर, काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। जिन लोगों ने आरजेडी को, लालू जी के, उनके बच्चों की सरकार को देखा है, वो जानते हैं कि ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। वो आरजेडी का कैरेक्टर है, इन चार चीज से ऊपर उठकर आरजेडी के लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव उससे अलग नहीं है।